इसमें आपको सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे अगर आपको एक लॉट के साथ ये ऑप्शन बाइंग सेटअप करना है, तो एक लॉट सेफली कुछ काम करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी से बेहतर आपको ऑप्शन बाइंग के थ्रू कुछ नहीं मिलने वाला है और लगभग 42,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू डेगेंस अगेन। और हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, ठीक है, किसके, मास्टर क्लास के। आज ये 4th चैप्टर है और मैं इन चीज़ों को और डिटेल में लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर 6 तक ही रखूंगा, बट मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ जिससे हम थोड़ी और डिटेलिंग में जा सके। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपने अभी तक जो बाकी के 3 चैप्टर्स अगर उनको नहीं देखा है, तो आप सीधे यहाँ पे देखो, थीटा गेनर्स का जो चैनल है उसमें मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों डाल दिए हैं। आप उनको पहले देखो एंड देन यहाँ तक आओ। उन तीनों चैप्टर में हमने पूरा बेसिक का काम किया है, मतलब आप अपना बायस कैसे बना सकते हो, चार्ट को कैसे देखना है, रीड कैसे करना है, बुलिश है, बेरिश है, सब कुछ आप इंटरनली खुद कैसे कर सकते हो, वो सारा कुछ 3 चैप्टर में है। अब यहाँ से हम ट्रेडिंग पर जाने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम एडवांस फॉर्म तक जाने वाले हैं। आज सबसे सिंपल स्ट्रेटजी पे काम करने वाले हैं और ये सिर्फ दिखने में सिंपल है, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप अपने बायस के साथ सेफली कुछ काम करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी से बेहतर आपको ऑप्शन बाइंग के थ्रू कुछ नहीं मिलने वाला है। आप इससे बेहतर नहीं कर पाओगे। आपको मैंने एक पहले 3 लेग स्ट्रेटजी बताई थी ऑप्शन बाइंग के लिए, आप उससे भी बेहतर इसको कर पाओगे और इसको एडजस्ट करना, संभालना, इवन मैं पोजिशन साइजिंग भी आपको लास्ट में इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे अगर आपको एक लॉट के साथ ये ऑप्शन बाइंग सेटअप करना है, तो एक लॉट 25,000 रुपए और आप डायरेक्शनल बायस में ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली देखो, आप जब बाइंग की बात हो रही है तो हम सिंपली किसी बायस के साथ ही जा रहे हैं। मैं बुलिश हूं तो मैं कॉल बाई कर रहा हूं, मैं बेरिश हूं तो मैं पुट बाई कर रहा हूं। तो सिंपली आप इतनी बात पहले समझ के चलना कि आपको चार्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करने के पहले। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं ना, हमें सबसे पहले किसी चीज की नीड है, वो बायस बनाने की नीड है। तो देखो, हम सबसे पहले चार्ट पढ़ चुके हैं, तो अभी हम सीधे चार्ट पे जाते हैं, हम एक बायस क्रिएट करते हैं और उस बायस के बेसिस पे मैं आगे बढ़ने वाला हूं एंड देन हम लास्ट तक जाएंगे विद पोजिशन साइज, एंट्री, एग्जिट और एसएल कहां लगाना है, वो सब कुछ यहां पे डिस्कस करने वाले। पहले हम चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, चार्ट में मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ। आप किसी भी चीज में, इवन विद द स्टॉक्स, आपको कोई स्टॉक पसंद है आप उसके अंदर कर सकते हो। चार्ट का मतलब होता है चार्ट, इंडेक्स से फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टॉक से फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ, आप निफ्टी में करो, फिर निफ्टी में करो, एयरटेल में करो, रिलायंस में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो चलो हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अभी कैसी है, क्या है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कई लोग इसको बोल रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कई लोग कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। आप और बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बिगर टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एरिया पे सपोर्ट है मार्केट का। देखो यहाँ पे मार्केट का पूरा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, मार्केट यहाँ टाइम पास कर रही थी, ऊपर गई, नहीं सस्टेन कर पाई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आ गई है। अभी इस वक्त मार्केट थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट में। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेरिश, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और जो ग्रीन कैंडल्स है ना, वो मुझे कहीं पे बड़ी नहीं दिख रही है, ना कोई वॉल्यूम में अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब सिंपली फर्स्ट टाइम में मार्केट नीचे गिरी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया था ज्यादा, लेकिन अभी जब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे ना वॉल्यूम के घेरे कुछ खास दिख नहीं रहे हमें। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता है 1 हफ्ते बाद ही कुछ क्लियर इंटेंशन दिखेंगे मार्केट के क्या है। बट अगर हम रिसेंट ट्रेंड के साथ जाएं तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में डाउन साइड में पूरा एक तरीके से मूव आया, उसके बाद यहाँ पे एक तरीके का पोल एंड फ्लैग का पैटर्न हो रहा है, वो भी रिवर्स में, उल्टी साइड में। तो हम एक बेरिश सेंटिमेंट के साथ जाते हैं, ठीक है, और एक छोटा टारगेट सोचते हैं कि मेरे हिसाब से ये है कि मार्केट ट्राई करेगा कि इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, और दूसरा ये है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। बट हम एक ही सेंटिमेंट, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है तो हम डायरेक्शनल व्यू लेके चलने वाले हैं और उसी के बेसिस पे चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे को गिरी है, अभी थोड़ा सा ऊपर गई है, अब हम लेके चल रहे हैं कि ये बायस है हमारा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, और मार्केट यहाँ से गिरने वाली है तो कौन सा ऑप्शन है जिसको बाई करके आपको फायदा मिलेगा, पुट ऑप्शन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम डेबिट स्प्रेड्स की बात करने वाले हैं। देखो नाम पे बिल्कुल मत जाना, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, डेबिट स्प्रेड बोलूं मैं, बियर पुट स्प्रेड बोलूं, कुछ भी नाम गया तेल लेने समझ जाओ, आप सिंपल इतना समझो मार्केट गिरेगी तो आपको फायदा किससे होने वाला है, पुट से। आप यहाँ पे पुट को बाई करोगे तो आपको फायदा होगा, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे डेबिट स्प्रेड का सेटअप बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक टारगेट रखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। टारगेट के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बिल्कुल रिसेंट है उसको हम टारगेट समझ लेते हैं। मतलब मेरा टारगेट अभी है कि 43,500 मार्केट आ सकता है, दिस इज माई टारगेट।
टारगेट ये एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है और एक महीने का भी हो सकता है। हम इसको वीकली बेसिस पे समझते हैं, आप इसको डिप्लॉय मंथली में करो। इवन लोग डेली में भी डेबिट स्प्रेड्स की ट्रेडिंग करते हैं। इवन जैसे मान लो आज मार्केट में मुझे बिरिश लग रही है तो लोग डेबिट स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं, क्यों? फॉर द सेफ्टी पर्पज। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि नेकेड ऑप्शन बाइंग और डेबिट स्प्रेड के बीच में फायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। 43,500 मेरा टारगेट है, ठीक है, और मार्केट अभी इस वक्त है 44,280 के आसपास, ठीक है। तो हम अभी सिंपली चलते हैं सेंसिबल पे और मैं आपको वहां पे दिखाने वाला हूं कि मार्केट इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, क्रिएट करने के लिए डेबिट स्प्रेड में आपको सिंपल सी बात बता दूं, 2 लेग्स होना इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड का मतलब ये होता है एक और एक से ज्यादा लेग्स जहां पे लग जाएंगे वो स्प्रेड्स कहलाएंगे। यहां पे 2 लेग्स होते हैं डेबिट स्प्रेड के अंदर, एक होता है बाइंग लेग, एक होता है सेलिंग लेग, ठीक है। बाइंग लेग कहां पे रख सकते हैं हम डेबिट स्प्रेड का? देखो, पुट बाई करना है। आपको मैंने पहले भी कुछ चीजों में बताया कि जो बाइंग होती है ना वो बहुत आउट ऑफ द मनी में आप नहीं कर सकते। आप बहुत आउट ऑफ द मनी में जाओगे आपको थीटा डिके का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसमें हम जो बाइंग का लेग है उसको एट द मनी या उससे जरा सा आउट ऑफ द मनी या फिर 100 आउट ऑफ द मनी, इससे ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए घाटा है। वो भी चीज मैं बताऊंगा क्यों अभी आगे चलते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 100 रुपए की जो प्रीमियम वाली स्ट्राइक है उसको बाई मारा है तो आपको 40% मतलब 40 रुपए वाली जो स्ट्राइक है ना आपको उसको सेल मारना है और एक परफेक्ट डेबिट स्प्रेड आपको क्रिएट मिल जाएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल रेडीमेड मिलने वाला है। इसके एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम कि अभी इस वक्त जो एट द मनी है वो कहाँ चल रहा है। ये हम सेंसिबल पे आ गए, बिल्ड न्यू स्ट्रेटजी मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी। ये देखो बैंक निफ्टी में एट द मनी अभी आ रहा है 44,300 के आसपास, ठीक है। 44,300 में मैं एट द मनी की जगह ना जस्ट आउट ऑफ द मनी मतलब जो 44,200 है उसको बाई कर रहा हूँ। बाई करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा बाई करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो ये 212 रुपए के आसपास का है। कितना? 212 रुपए के आसपास का 44,200, करेक्ट, ये रहा, ठीक है। और ये रही स्ट्राइक, अगर मैं 212 रुपए वाला बाई करने वाला तो सेलिंग स्ट्राइक क्या होगी? बिल्कुल पत्थर की लकीर में समझना 40%, बट अगर हम 200 का यहां से 40% देखें तो 50% तो थोड़ा सा कम, करेक्ट। 200 का 50% क्या होगा? 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए या जस्ट उससे कम वाली कोई भी स्ट्राइक जो प्रीमियम हो उसको आपको सेल कर देना है। तो यहां पे मैं जा रहा हूं, देखो 111 ये मुझे मिल गया 89 वाला, तो मतलब मुझे जो बाइंग करनी है वो 44,200 की है और जो सेलिंग करनी है वो 43,800 का है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पुट साइड की। क्यों? क्योंकि हमारा जो बायस है वो डाउन साइड में है। डाउन साइड में प्रॉफिट किससे होगा? पुट बाई करके। तो ये मैं गया 44,200, यहाँ पे मैंने बाई मारा। एक लेग से समझा रहा हूँ आप जिससे आसानी से समझ सको और रेशियो आप जितना मर्जी यूज कर सकते हो। और जो यहाँ पे हमारी 89 रुपीज वाली उसको मैं सेल कर रहा हूँ। इन दोनों का सेटअप करने के बाद ये मैंने डन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से ये आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस चार्ट को समझो, डाउन साइड में आपको प्रॉफिट है, अपर साइड में आपको लॉस है। यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें आपको लगभग 1,800 रुपीज का लॉस है। कितने का? 1,800 रुपीज का लॉस है यहाँ पे इन टोटल। ये देखो 1,800 रुपीज का लॉस है और जो आपका प्रॉफिट है वो है लगभग 4,100 रुपीज। तो मैं एक तरीके से मान लू 1:2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2 मतलब आप जहां पे 1 रुपए खोने वाले वहां पे आपको 2.2 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट होने वाला है। ये आपके सेटअप के हिसाब से, ठीक है। आगे इसमें जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो हम क्या कर सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों एंट्री एग्जिट की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम फंड्स की बात करें इसमें लगभग 17,000 रुपए के आसपास के फंड की नीड है। आप एक तरीके से 20,000 रुपए लेके समझो। मैंने आपको इसमें 25,000 बोल रखा है कि 25,000 में आप कर सकते हो, बट 20, 22, 23, 25 ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ऑल्सो। आप एक्सपायरी के कितना नजदीक हो, एक्सपायरी से कितना दूर हो, ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट आपका लगभग 4,000 रुपए है और जो मैक्स लॉस है वो 1,800 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना वो 36% है। ऐसा क्यों? आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कुछ भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है वो 30-35 के आसपास होती है। इवन आप नॉन डायरेक्शनल में अगर RN5 को लेके चलो, RN5 की भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है नियर टू 30-40 के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना हम कुछ डिसाइड करके चल रहे हैं कि दिस इज द रेंज, यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज डिसाइड करके चल रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे गई तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। स्ट्रेडल्स जो होते हैं वहां पे हमें 50-55% के आसपास की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन डायरेक्शनल में एक फायदा जरूर होता है कि अगर आप 3 में से 1 बार भी जीत गए ना तो आप धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते चले जाओगे। और यही चीज नॉन डायरेक्शनल जहां पे आप बाय सेलेक्ट नहीं करते हो वहां पे ये चीज होती है कि कभी ना कभी आपका ना जो कर्व है वो बहुत स्लो ऊपर जाता है। डायरेक्शनल में आपको प्रॉफिट बड़े होते हैं, लॉस छोटे होते हैं, ठीक है।
तो ये क्रिएशन कब हुआ है? एट द मनी, एट द मनी से जरा से दूर वाला बाई करो और उसके जस्ट आधे से थोड़ा कम वाला सेल कर दो और आपका ऐसा एक सेटअप आराम से बन जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ तक हम अभी पहुँच चुके हैं। क्रिएशन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, यहाँ पे हम क्रिएशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि अगर मैं ये आपको करने को बोल रहा हूँ तो लॉस तो इसमें भी है, ठीक है। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग और इसमें क्या फायदा है? देखो, नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर आपने की, मतलब आपने डायरेक्टली ये जो यहाँ पे 212 रुपए दिए हैं ये आप डायरेक्टली दे सकते हो उसको, और हो सकता है मार्केट गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट में ओपन हो जाए और आप इससे आधे से ज्यादा लूज कर दो। बट यहाँ पे जो हमने 89 सेल कर रखे ना प्रीमियम, ये भी साथ में घटेंगे आपके बाइंग लेग के साथ। तो बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बहुत बड़ा रिस्क नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन जो रिस्क है ना उसका आधा पार्ट हम सेलिंग से कवर भी कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं, इसको करने की वजह से हमारा बहुत बड़ा मार्जिन लग रहा है, मार्जिन भी हमारा कम है और हम जो सेलिंग कर रहे हैं उससे हम अपने बाइंग का जो लॉस है उसको बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर ये हमारे अगेंस्ट में चला भी गया तो ये जो पूरा 1800 का लॉस है ना, ये एक बार में नहीं होने वाला, ये एक्सपायरी के दिन होने वाला है, तो ये इससे भी कम है। तो इसका मतलब हमारा रिस्क 1800 ना होते हुए इवन यू कैन से कि रिस्क हमारा 1000-1200 ही है अगेंस्ट ऑफ 4000 रुपीज जो हम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। दो चीजें और एक जानने की जरूरत है कि इतना समझ लो कि ऑप्शन बाइंग में, जैसे आप मान लो आपने बाई किया है 44200 कितने में, 200 रुपए में, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है एक्सपायरी के दिन वो 44400 मार्केट उसके ऊपर एक्सपायर होगा, तभी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपने डेबिट दिया है 200 रुपए। डेबिट मतलब आप मार्केट को ऑलरेडी पे कर चुके हो, मार्केट को आप एटलीस्ट पहले आपको ये लौटाने पड़ेंगे, उसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 44400 के ऊपर मार्केट जाएगा तब प्रॉफिट होगा, बट ये सेलिंग करने की वजह से हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो और पास आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीज हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेक इवन आपको कितना दिखा रहा है, ब्रेक इवन इज सिंपली 44077, ठीक है। मार्केट इस वक्त स्पॉट में जो चार्ट में दिख रहा है कहाँ पे खड़ी है, 44200 के आसपास। इससे आपको 123 पॉइंट्स घटा देने हैं, 123 पॉइंट मतलब 44220 माइनस 123 पॉइंट्स, वो आपको 44077 लगभग इसके आसपास आएगा और इस जगह से देखो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट और इसके नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा, तब आपका एक एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको एक्सपायरी पे मिलेगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, ये 1:2.2 क्रिएट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले ना हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हमारा एसएल क्या है। देखो एसएल दो तरीके का हो सकता है, मैं आपको बता दूं दो तरीके का एसएल क्या होता है। एक एसएल हो गया जो हम ट्राई करते हैं अपने कैपिटल बेसिस पर। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मेरा मान लो 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल मैंने डिसाइड कर रखा कि मुझे इसमें ट्रेड करना है। 1 लाख के कैपिटल में मैं ट्रेडिंग कितने से कर रहा हूँ, लगभग 20,000, 23,000, 25,000 से, ये 1 लॉट के लिए। बट एक बात बताओ, अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो मान लो रिस्क कैपिटल है ऑन अ वीकली बेसिस, मान लो मेरा 2,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपीज़ मतलब मैं एक तरीके से मान लो 2%, दैट इज 2,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे रिस्क कर सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ पे चार्ट की नीड है? मुझे यहाँ पे चार्ट की नीड नहीं है, मैं बस इतना देख सकता हूँ कि मुझे कितना लॉस होने वाला है, क्या मेरा डेबिट है, और मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे 2,000 रुपए जाए। तो अगर हम इस सेटअप की बात करें जो ऑलरेडी रनिंग है, उसमें हमारा लॉस 1800 रुपीज है। तो इसका मतलब पोजिशन साइज के हिसाब से ऑन कैपिटल बेसिस एसएल हमारा ये ट्रेड एक लॉट बिल्कुल परफेक्ट है फॉर 1 लाख रुपीज, करेक्ट। क्योंकि हमारा लॉस अभी कितना है 1800 और हम कितना खोने को रेडी हैं 2000। तो मतलब यहाँ पे अगर हम एसएल की बात करें ऑन कैपिटल बेसिस, तो आप यहाँ पे 2% के हिसाब से देखोगे तो 1800 रुपये एकदम परफेक्ट है। दूसरे टाइप का एसएल मैं आपको बता दूं, दूसरे टाइप का एसएल क्या रख सकते हो आप ऑन चार्ट बेसिस। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, इसका हाई बोले तो 44572, मतलब जहां पे मार्केट है, अगर मार्केट रिवर्स करके 44572 चला गया, मैं ये ट्रेड काट दूंगा, आई एम नॉट विद दिस ट्रेड, सिंपल। अगर मार्केट मान लो नेक्स्ट डे भी जा सकता है, 2 दिन बाद भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, ये गए 572, ये देखो अगर मार्केट नेक्स्ट डे ही 572 चला गया तो ऑन मंडे 16 अक्टूबर मुझे लगभग 927 रुपीज का लॉस हो जाएगा, मतलब मुझे लगभग 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा और मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा इफ आई एम कीपिंग इट विद चार्ट, अगर मैं चार्ट के साथ ऐसा लगाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा लगाना चाहता हूँ कैपिटल बेसिस पे, तो अभी भी मेरा ऐसा हिट नहीं हुआ है, अभी भी मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ या कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ ऑन दैट बेसिस, ठीक है। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात है, मतलब हम ये भी देख सकते हैं ना कि ये तो हमने देखा कि अपोजिट साइड की, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो ये हो रहा है, बट मार्केट हमारे साइड भी तो जा सकता है जिसके बायस के हिसाब से हमने जितने इतने रिसर्च करके इस ट्रेड को डाला है। तो अगर मार्केट डाउन साइड में गया तो क्या, अगर मार्केट डाउन साइड में जाने लगा तो क्या हम
लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो देखो दोनों ऑप्शन में आपको बता दूं, लेवल बेस्ड में क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो उसका परफेक्टली बुक्ड वर्जन, तो आपका ये टारगेट हो गया चार्ट में, बट मेनली जो वर्क करता है ना वो आपकी स्ट्रेटजी में वर्क करने वाला, क्योंकि आपने उसको स्प्रेड में बनाया। स्प्रेड में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। स्ट्रेटजी में जाके आप देखो कि यहाँ पे जो आपने बाइंग प्राइस दिया है 212 और मैं इसको जो सेलिंग है उसको अगर मैं घटा दूं उससे, तो लगभग 123 रुपए का हमने यहाँ पे डेबिट दिया है। तो आपका रिस्क कितना है? आपका रिस्क है 123 रुपए। 123 रुपए सिंपली आप यहाँ पे कर चुके हो 123 रुपए, और इस 123 रुपए का ही आपको लॉस है। तो आप इतना समझ लो कि ये आपका रिस्क हुआ। आपको अगर इसके अगेंस्ट में अर्निंग करनी है तो या तो 1:1 होता है, या तो 1:2 होता है, या तो 1:3 होता है, करेक्ट? यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:2.2। तो जो सबसे पहला सेट ऑफ एक्शन होगा जहां पे आपको बुकिंग करनी चाहिए प्रॉफिट की, दैट इज 1:1। अगर मैं 1:1 की बात करूं तो इसका मतलब है जो आपका प्रीमियम प्राइस है उसके ऊपर अगर आपने 123 रुपए अर्न कर लिए, मतलब 1:1 ये आप रिस्क करने वाले थे, इतना ही अर्न कर लिया। मतलब अगर आपके बाइंग का प्राइस 212 + 123 करेक्ट 335 रुपए हो गया, तो इसका मतलब है कि आप 123 रुपए अर्न कर रहे हो अपने बाइंग के ऊपर, और जो आपने सेलिंग कर रखी है 89 रुपीज की, वो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, सेलिंग कर रखी है वो बढ़ चुका होगा। तो अब आपको देखना है कि आपने 123 रुपए कमाए हैं माइनस वो पॉइंट जो आपने पुट में गवा दिए हैं, अगर आप उनको माइनस कर दो तो आपका राउंड अबाउट 1:1.7, 1:8 आएगा। बट फुल कैलकुलेशन के साथ जाओगे तो आपको बस इतना देखना है कि 123 पे आप 123 कमा रहे हो या नहीं। तो आपको कैलकुलेशन इन दोनों पे करनी पड़ जाएगी। अब इसके लिए आप क्या देख सकते हो? आप प्रीमियम प्राइस देख सकते हो या फिर प्रॉफिट देख सकते हो। आप देखो 123 रुपए आपको कमाने हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए एक लॉट के हिसाब से? 123.15। अब आप इसका इंटू कर दो। देखो इतना मैथ अब मेरा तेज बचा नहीं है, होता था कभी पहले, बट अब मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, बहुत हो गई। 123 × 15, जिससे आपको फालतू की मेहनत न करनी पड़े, 1845 रुपए। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 4100 रुपीज। अगर मैं 1845 रुपए अर्न कर लूंगा, रिस्क कितना है? 1800 रुपए। अगर मैंने 1845 रुपए ग्रीन में चल रही मेरी स्ट्रेटजी, इसका मतलब मैं 1:1 पे पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा सेफ गार्ड कर सकता हूँ। अब सेफ गार्ड करने की ट्रिक क्या है? अब देखो क्या करना है, जैसे ही आपको 1845 रुपए का प्रॉफिट दिखे अपनी वन लॉट की ट्रेड में, तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसको एडजस्ट करने के लिए सिंपली आप इतना समझ लो कि अगर आप 1845 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं, मतलब 1:1 हो चुका है, तो अब आपको इसको धीरे से सेफ गार्ड करना है। अब एक बात बताओ, आप ऑप्शन बाइंग की ट्रेड में हो, ऑप्शन बाइंग की ट्रेड में अगर आपने 1:1 पैसे कमा लिए हैं, किससे कमाए होंगे? नॉट फ्रॉम सेलिंग, क्योंकि आपने पुट सेल कर रखा है और मार्केट आपकी तरफ गिरी है, मतलब आप सेलिंग में लॉस कर रहे हो। आप बुकिंग किस में करोगे? बुकिंग आप अपने प्रॉफिटेबल लेग में ही कर सकते हो, जो कि ऑप्शन बाइंग का इस वक्त क्या है, आपका पुट। तो अगर आपके पुट की कीमत 212 से ऑब्वियसली ऊपर होगी, आपने प्रॉफिट कमाया, आपको ये लेग बुक करके उससे कम पैसे वाला लेग बाई कर लेना है और आपका काम बन जाएगा। अब ये कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने 44200 का पुट बाई कर रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाऊं, जैसे कि मैं 4400 पे ले जाऊं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज होता जाएगा और रिस्क कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखो आपका 1800 का लॉस था, अब ये 1200 पे पहुंच गया है। आप इससे और 100 पॉइंट दूर जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे 1200 की जगह 700 का लॉस बचा है आपको, और नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे 300 रुपए का ही लॉस बचा है। पर ये चीज जब प्रॉफिटेबल लेग में होगी तो यहाँ पे ये चीज रेड बचेगी ही नहीं, ये पूरी की पूरी ग्रीन हो जाएगी। ये चीज मैं अभी आपको वो भी चीज करके दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने एक एसएल वाला पार्ट देखा कि अगर अगेंस्ट में गया तो क्या करना है, चार्ट के हिसाब से काट दो ट्रेड को। दूसरा, अगर आपका लेवल आ गया उसके हिसाब से काट दो ट्रेड को। ये दोनों लेवल है, इस हिसाब से आप ट्रेड को काट सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क उतना बड़ा कभी जाने नहीं वाला, आपका फिक्स रिस्क है जो आप करने वाले थे ऑलरेडी, ठीक है। पर अगर आप बाइंग साइड में हो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, चलो मैं आपको इसको लाइव में दिखाता हूँ कि ये चीज अगर हमारी साइड आ गई तो हम इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं। लेट्स गो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में चलते हैं, इसको मैं सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि ये अगर एक्चुअल में जो प्रॉफिटेबल साइड में जाता तो हम इसको कैसे पूरा सेफ गार्ड कर सकते हैं और पूरा लॉस यहाँ से गायब कर सकते हैं। तो ये हम गए सिमुलेटर में, इसको चेक करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ से नीचे आया है। फॉर एग्जाम्पल 20 सितंबर को मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, तो हम 20 सितंबर को पुट का कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे गए हम बैंक निफ्टी में, पहले तो एक्सपायरी चूज करो सितंबर, 20 सितंबर की, हम 28 सितंबर की एक्सपायरी ले रहे हैं और स्टार्ट डेट शुड बी 20th सितंबर, एंड में करेंगे 3 बजे के आसपास। सेलेक्ट पे ऑफ डेट, ऑब्वियसली 28 सितंबर कहाँ गया, ये रहा। ओके, और हम करते हैं लगभग 3 बजे, ये लो 5 मिनट, ये लो 3 बजे के आसपास किया, ऑप्शन चेन पे गया। कहाँ पे है मार्केट अभी इस वक्त?
4475 के आसपास, तो मैं 45400 वाला बाई कर लेता हूँ जो हमने सेटअप किया है। 45400 का पुट कहाँ, ये रहा 45400 का पुट इस वक्त 380 रुपये का है। अब आपको देखो बताना है, मैंने बाई किया है एक लॉट 380 रुपये पे, ये मैंने कर दी एड पोजिशन। अब 380 रुपये का आधा करो तो बेसिकली 400 रुपये का 200 के जस्ट नीचे वाला हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सॉरी कहाँ गया, ये कॉल साइड हो गया, पुट साइड करना है, वही मैं सोचूँ। 45400 ये रहा, 45400 का जो पुट है वो 300 रुपये का है। ये हमने यहाँ पे बाई मारा, 300 रुपये का आधा करो 150 के जस्ट नीचे वाला हमें सेल कर देना है। तो हम यहाँ नीचे गए, 150 से जस्ट नीचे हमें ये मिला 137 44900 का, इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा पोजिशन क्रिएट हुआ है। ये देखो पोजिशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लगभग 2400 का लॉस है और लगभग 5000 का प्रॉफिट है। तो यू कैन से अराउंड 1:2 के आसपास है, अराउंड द कॉर्नर यू कैन से 1:2 है। अब हम इसको देखो सिंपली देखते हैं कि हमें 1:1 का प्रॉफिट हो जाए, मतलब 2400 का लॉस है तो 2400 का प्रॉफिट हो जाए और हमें इसको कैसे सेफ गार्ड करना है। तो हम इसको, ये लो वन डे पे गए और 30 मिनट गए, अभी 600 का प्रॉफिट है, अभी 900 का प्रॉफिट है, 1100 का प्रॉफिट है, 1200 का प्रॉफिट है, ये देखो 2200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 1245 हो रहे हैं, 2300 रुपये का प्रॉफिट है, 2550 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है और एक ही दिन अभी हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2550 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा बाइंग लेग होगा उसका प्रीमियम काफी ऊपर जा चुका होगा। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने बाई किया है उसी लेग को आपको बुक करना है। सबसे पहले मैं बुक करूंगा जो ये लेग है, उसके बाद मैं वो बाई करूंगा जो इससे कम प्राइस का होगा। इससे कम प्राइस का हम बेसिकली, आप चाहो तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे दूर 100 पॉइंट दूर का ले लो, 200 पॉइंट दूर का ले लो, बट हम लोएस्ट टू लोएस्ट बेहतर से बेहतर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। तो पीएनएल पे चलते हैं, ये चल रहा है 693 का, बहुत ही महंगा, तो 693, क्योंकि देखो बाइंग का प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी 693 वापस से 400 आ जाए कोई भरोसा नहीं है। 693 मैंने बुक कर लिया, ये 700 रुपये का है, मैं अब इसकी जगह 200 रुपये कम कोई 500 या 400 वाला बाई कर देता हूँ, मेरा सब कुछ सेफ गार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन में जाता हूँ, ऑप्शन चेन, अब मैं ढूंढता हूँ 500 वाला के आसपास, ये रहा 479 का। अब मैं इसकी जगह इसको बाई कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपका सब कुछ ग्रीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने जो बाइंग का लेग था ना उसमें बहुत कम पैसे अब दिए हैं और आप पूरा प्रॉफिटेबल हो। अब इसको देखो, यहाँ पे आपका जो लॉस है ना उसका कोई चांस नहीं बचा है, इस वक्त आप पूरा प्रॉफिटेबिलिटी में चले गए हो। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है आपके थ्रू आउट आगे चलने वाली है नहीं। अगर नहीं भी चलती है तो आप यहाँ पे लगभग 800 रुपये तो एटलीस्ट बुक करने वाले हो, मतलब 0.8% तो एटलीस्ट बुक होने वाला है। इवन अगर आप चाहो इसको और सेफ गार्ड करना चाहते हो ना, आप अगर चाहो तो वन, देखो यहाँ पे मैंने लगभग कितना प्रॉफिट बचा दिया, ऑलमोस्ट यू कैन से 2500 चल रहा है, ये हमने 1000 रुपये के आसपास बचाया। आप अगर इसी लेग को जो 4500 का 479 रुपये का है ना, मैं और कम की प्रीमियम लूंगा तो ये यहाँ पे और अच्छा बुक हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देखो, इस वक्त आपने 479 रुपये की प्रीमियम ली थी ना, अब मैं उससे कम की प्रीमियम लेता हूँ, 479 की जगह वी कैन गो फॉर 416 का प्रीमियम। अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो देखो क्या होता है, आपको जो लोएस्ट प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देखो आप एटलीस्ट 1700 रुपये बुक करने वाले हो एंड इस तरफ आप यहाँ पे 3200 रुपये बुक करने वाले हो। अब देखो क्या होता है, इसका एक अच्छा प्रभाव भी है और बुरा प्रभाव भी है। जब आप यहाँ पे सेफ गार्ड करने जाते हो ना, तो बेसिकली आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जो मैक्स प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे देने वाले हो। क्यों, क्योंकि जो गैप था ना स्ट्राइक के बीच का, वही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट का एरिया था, उसी से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे जब आप पास जाते हो ना, तो यहाँ पे जो ये गैप है पुट बाई और सेल के बीच का, एक कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी सेफगार्ड करना चाहते हो। सेफगार्ड करने की वजह से यहाँ पे आपको देखो 1700 रुपये का प्रॉफिट एटलीस्ट हो तो जाएगा, जो कि आपके कैपिटल 1 लाख के ऊपर कितना है, 1.7%, दैट इज वेरी गुड फॉर अ वीकली पर्पज। पर जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 3.5% के आसपास रुक जाएगा। क्यों, जो आपको पहले 4400 होने वाले थे, तो आपको एक चीज मिलेगी तो एक चीज आपको खोनी पड़ेगी। और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज में प्रॉफिट कमा लिया है तो आप उसको क्यों खोना चाहते हो। आप एटलीस्ट 1.7% निकालोगे ना वीक में, अगर आप अच्छे हो तो। अगर आपने वीक में 1.7% निकाल लिए, आपने एक बहुत ही तबाही वाला काम कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन स्लोली स्लोली करो। आप सीधे यहाँ पे 2500 से 1700 बुक मत कर लो, 2500 के बुक करो 1200 1300 1300, अगर यहाँ पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप रखना चाहते हो रखो, उससे क्या होगा, इधर का जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा।
ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की साइड में हो तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हो, आपका जो पूरा लॉस हो पूरा कट जाएगा। इसको आप ट्रेलिंग भी कह सकते हो, बेसिकली हमने ट्रेल किया है अपना जो लॉस था उसको अंदर की तरफ कर रहे हैं। अगर मार्केट अपोजिट में चली जाती है, अगेंस्ट में चली जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, अगेंस्ट में जाने के लिए आप सिंपली दो मेथड अपनाओ। चार्ट वाइज अगर अगेंस्ट में गई है तो आप ट्रेड को काट दो डायरेक्टली। दूसरा, आपका जो SL है, फिक्स SL जो आप 2000 रुपए 1800 रुपए जो भी था 1:1 का, आप वहां पे ट्रेड को काट दो। बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। मैंने क्या बोला, सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। अभी मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि एक नया लेग सेल करो, हम ये कर लेते हैं, एक नया लेग बाई करो, डोंट डू दैट। डू इट वेरी सिंपली। अगर आपका डायरेक्शन सही है आप पैसा कमाओगे, डायरेक्शन गलत है तो आप अपना चुनिंदा पैसा गवाओगे जो आपने पहले से सोच रखा है। दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं करना। लेट मी रिपीट इट जिससे आप और आसानी से समझ पाओ। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एंट्री के लिए आप सिंपली समझ लो एंट्री कैसे होगी। एंट्री के लिए वीक में आप जो दिन चुनना चाहते हो वैसा का वैसा चुन लो, बट इसमें ना कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर सपोर्ट ब्रेक हो तो, अगर वीक चल रहा है जैसे एक्सपायरी का बुधवार चल रहा है या फिर मंगल चल रहा है आज के हिसाब से, तो आप वो ट्रेड मत लेके अगले एक्सपायरी का लो। हमें यहाँ पे थीटा डिके नहीं खाना है, हमें यहाँ पे मूव कैप्चर करना है। तो मूव कैप्चर करने के लिए आपके पास प्रीमियम होनी चाहिए, 15-20-50 रुपए के प्रीमियम से काम नहीं चलेगा। तो आपको 7 दिन दूर वाली जो एक्सपायरी हो आपको वो चुननी है, दैट्स इट, ओके। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक हो, आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो जाए, आपका बायस एक्टिवेट हो जाए, तो आपको उसके बाद एट द मनी या फिर 100 पॉइंट्स अवे आउट ऑफ द मनी की चीज को बाई करना है, प्रीमियम को बाई करना है। स्ट्राइक का कोई पंगा नहीं यहाँ पे, और जो भी बाई किया वो जितने भी रुपए का है उससे 50% कम करो, आधा, और उससे थोड़ा सा कम करो, वो चीज को आपको सेल कर देना है। ये सेल करते ही पुट साइड हो या कॉल साइड हो, दोनों साइड में देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं पुट साइड की ग्राफ की बात करूं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, इट इज कॉल साइड, दिस इज पुट साइड, ओके, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे 1:2 से मोस्टली ज्यादा ही होता है, 1:2 से मोस्टली ज्यादा ही होता है आपको जो प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आपका जो ट्रेड है आपके साथ जाने वाला है तो आपको 1:1 जैसे ही प्रॉफिट हो रहा हो, आप प्रॉफिटेबल लेग, मतलब जो बाइंग लेग है उसमें आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, आप उस लेग को थोड़ा सा कम पैसे वाला बाई कर लो, इसको बुक कर लो, और जो इससे कम पैसे वाला, जैसे ये 400 रुपए चल रहा है तो आप 300 रुपए वाला जो पुट है उसको बाई कर लो। इससे क्या होगा, आपका ये लॉस पूरा गायब हो जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ इधर भी आप कर सकते हो, जैसे ही आपको 1:1 मिल रहा है तो जितना भी मिल रहा है उससे आधा पैसा मिले एटलीस्ट वो इस साइड में रख लो, आपकी चीज सिक्योर हो जाएगी। अगर मार्केट अगेंस्ट में जाती है, अपोजिट में जाती है, तो जो आपका चार्ट बोलता है, चार्ट के लेवल के हिसाब से मान लो कि 130 पॉइंट दूर आपका SL है, अगर मार्केट यहां आ गई है तो ये ट्रेड को काट दो। बी सिंपल, डोंट डू इट एनीथिंग, ठीक है। अगर इसके हिसाब से नहीं आया और मार्केट में सीधे गैप अप गैप डाउन जो मर्जी हो गया, तो आपका लॉस तो पहले से फिक्स था। अब पोजिशन साइजिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज है एटलीस्ट, ठीक है, इसमें आपके 25,000 ही लगने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ये मत करना गाइस, बिल्कुल भी कि यार 1 लाख है 4 लॉट डाल देता हूँ मस्त मजा आ जाएगा, डोंट डू इट। पोजीशन साइजिंग भी कोई चीज होती है। तो मान लो अगर आपका लॉस, जो लॉस है मैं आपको बता रहा हूँ, वो 100 रुपए का है, 100 प्रीमियम का लॉस है, जिसको हम डेबिट भी कह सकते हैं। अगर 100 रुपए का डेबिट है आपके पास, तो आप बस इतना सोचो कि मुझे कितने खोने हैं। तो मैं लाख रुपए में 2000 रुपए खोने को रेडी हूँ, तो सिंपली आप इतना समझ लो कि 2000 रुपए डिवाइड बाई 100 पॉइंट्स कितना हुआ, लगभग 20, तो ये 1 लॉट के आसपास आ रहा है घूम फिर के। तो आप सिंपल इतना समझ लो, 1 लाख रुपीज में 1 लॉट करना इज द परफेक्ट, 3 लाख रुपीज में 3 लॉट, 5 में 5, बिल्कुल इक्वल प्रोपोजिशन है, आपको कुछ भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख है आपके पास तो 10 लॉट से करो, लगभग 18,000 का लॉस होगा और लगभग 42,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। इसमें आप कभी भी आप अपने जो सोचा हुआ लॉस है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इवन मार्केट गैप अप कर जाए, गैप डाउन कर जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे फुली हेज्ड पोजीशन की बात हो रही है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। इफ यू आर अ न्यूकमर, आपको इस चीज को मतलब अप्लाई करके लाइव मार्केट में 1-1 लॉट से एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप खुद ब खुद सारी चीजें सीख जाओगे, आपको इसके आगे कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी। इसका जो अपोजिट फॉर्म है जिसमें हम थीटा खाने का ट्राई करते हैं, दैट इज क्रेडिट स्प्रेड, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। इसमें भी मैंने पूरा डिलीवर करने का ट्राई किया है कि आप इसको समझो, करो और बनाओ। मैंने रिपीट कर दिया, अगर वीडियो समझ में आया तो एक बार और देखना, और मुझसे अगर इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करना रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड
यहाँ तक आने के पहले जो लेसन 1, 2 और 3 हैं उनको जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। जैसे मैंने पिछला वीडियो देखा, आप पिछले वीडियो में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैं जानता हूँ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ चुके हैं और जब मैं बेसिक पढ़ाता हूँ तो आई नो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज ऑडियंस तो वही की वही है। बट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है कि 20 लाख रुपए कैसे कमाएं, तो लोग नहीं देखते हैं। बट दिस इज वे मच इम्पॉर्टेंट और आपको आगे बहुत काम देगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप अभी तक YouTube पे थीटा गेम्स सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और आप ये दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड यस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, इवन इंट्राडे के बारे में शेयर करता रहता हूँ, एल्गो के बारे में शेयर करता रहता हूँ, जो भी मार्केट में अभी इस वक्त चल रहा है, जो भी नई चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थीटा गेनर्स आपको जस्ट टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको आराम से 1.3 लाख के आसपास मेंबर वाला एक चैनल मिलेगा, वही सिंगल हमारा एक चैनल है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। Thank you.